तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? तो क्या क्लास थी आज आपकी? कंपोनेंट की क्लास थी आपकी, है ना? तो क्या क्या कर रहे हैं आप, बताइए थोड़ा मेरे को। रजिस्टर चेक कर रहे हैं, रजिस्टर कैपेसिटर चेक कर रहे हैं। तो क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है, ये सारी चीज़ आपको पता चला? थोड़ा थोड़ा पता चला, अभी तो और भी बाकी है ना। इतना तो कॉन्सेप्ट पूरा हुआ ना कि है? तो अभी मैं कोई भी एक चेक करने के लिए बोलूँ रजिस्टर, तो चेक करके बता सकते हैं? कर रहे हो आप? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? अभिजीत जी। तो मुझे ये बताइए आज क्या क्लास थी आज आपकी? आज कंपोनेंट की क्लास थी। कंपोनेंट वन की क्लास थी आज आपकी, है ना? तो आज क्या बताया गया आपको? कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, है ना? हेलो, हाँ, अपना सीरीज पैरेलल आपको समझ में आ रहा है? हाँ, नापना कैसे है उनको? हाँ, थर्मिस्टर समझ में आया? हाँ, ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो अभी मैं कोई भी एक कंपोनेंट चेक करने के लिए बोलूँ, आप चेक करके बता सकते हैं? हाँ, तो कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बताइए। क्या चेक कर रहे हैं मेरे? मैं अभी पैरेलल कर रहा हूँ, पैरेलल ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है जी। रजिस्टर क्या क्या देख रहे हैं? इसका वैल्यू दिखा रहा है जी। एक साइड 0-0 दिखाएगा, एक साइड वैल्यू आएगा, एक साइड 0-0 आएगा। तो किस में है? पैरेलल में। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम आपका? हेलो, मैं यूपी मेरठ से। तो जुनैद जी, मुझे बताइए आज क्या क्लास थी आज आपकी? सर, हमारी कंपोनेंट की पहली क्लास थी आज। कंपोनेंट की फर्स्ट क्लास थी आज की। तो आप कंपोनेंट में क्या बताया गया आज? सर, पैरेलल की लाइन चेक करना था या सीरीज की लाइन चेक करना जी? क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है, ये बताया गया है ना? रजिस्टर कैपेसिटर जी 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 कैसे नापते हैं? रजिस्टर की और थर्मिस्टर वगैरह ये कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं, कौन सा क्या है? तो उन्होंने बताया, आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो जैसे कि मैं अभी ये कौन सा बोर्ड है सैमसंग का, है ना? तो इसमें मैं बोलूँ कि कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बताइए, तो आप बता सकते हैं? यस सर, मैं वही कर रहा हूँ। वही कर रहे हैं, चेक कर रहा हूँ, थर्मिस्टर चेक कर रहे हैं। तो ढूंढ पा रहे हैं थर्मिस्टर? यस सर, मिल गया। कितने मिनट में आप ढूंढ सकते हैं? जस्ट यस, आपको सर ने बताया जी तरीके से। एपी का थर्मिस्टर बनना है। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या नाम आपका? जय। जय, तो जय जी, मुझे ये बताइए आज क्या क्लास थी आपकी? कंपोनेंट वन की क्लास थी। तो किसके साथ थी आपकी? देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट वन की क्लास थी। क्या पढ़ाया गया आज? रजिस्टर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर भी, है ना? तो मुझे ये बताइए कि सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है आपको? कैसे चेक करते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इनकी वर्किंग समझ में आया? तो मैं बोलूँगा आपको कि ये बोर्ड में आप कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बता सकते हैं? बिल्कुल जी, बताइए। क्या बता रहे हैं आप? कंपोनेंट कौन सा बताइए ना। क्या चेक कर रहे हैं रजिस्टर, क्या चेक कर रहे हैं बताओ? कैपेसिटर चेक कर रहे हैं। इसके एक तरफ ग्राउंड आता है और एक तरफ वैल्यू। एक तरफ ग्राउंड आता है, एक तरफ वैल्यू, तो ये किस में लग रहा है? पैरेलल में। एक तरफ ग्राउंड, एक तरफ वैल्यू, तो ये पैरेलल में, है ना? मतलब आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? और अगर सीरीज में लगा होता तो दोनों तरफ दोनों जी। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं आप? नोट्स बना रहे हैं। तो मुझे बताइए आज क्या क्लास थी आपकी? कंपोनेंट वन की क्लास थी। किसके साथ थी? देव रतन सर के साथ थी आपकी क्लास, है ना? तो क्या बताया गया आज क्लास में? सीरीज पैरेलल, मतलब क्या रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर भी आपको बताया गया। थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं? कितने मिनट में ढूंढ पाएंगे? पाँच मिनट ढूंढ लेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि मैं ये बोर्ड में आपको बोलूँ कि कोई भी कंपोनेंट चेक करके बताइए, सीरीज पैरेलल आप बता सकते हैं? बताइए कोई भी एक सीरीज पैरेलल करके बताओ। जी बताओ, मल्टीमीटर चालू कर लीजिए। एक तरफ रीडिंग, एक तरफ जी आर, एक तरफ जी आर, एक तरफ ओ एल, है ना? तो ये किसमें है? पैरेलल में, है ना? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। हमारे साथ एक स्टूडेंट, क्या नाम है जी आपका? क्या जी? तो मुझे ये बताइए आज क्या क्लास थी आज आपकी? कंपोनेंट के बारे में। किसके साथ थी क्लास आपकी? देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट वन की क्लास थी। तो मुझे ये बताइए क्या पढ़ाया गया आज? सर, उसका क्या कहते हैं,
रजिस्टर कैपेसिटर है ना, थर्मिस्टर भी, थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं आप। तो क्या सीरीज है, क्या पैरलर है, सीरीज पैरलर समझ में आ रहा है जी? सारी टेस्टिंग आपको समझ में आ रही है ना? तो जैसे कि मैं ये बोर्ड में आपको बोलूं कि कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बताइए, तो आप बता सकते हैं मुझे? तो बताइए कोई भी एक कंपोनेंट क्या चेक करके बता रहे हैं? रजिस्टर, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जितेश। कहाँ से? झांसी। जितेश जी, तो मुझे बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? कंपोनेंट, कंपोनेंट वन की क्लास थी। देव किसके साथ थी? देव सर। देव सर के साथ। तो क्या पढ़ाया गया आज? आज पहले बताया गया सीरीज पहलर, सीरीज और पहलर जी, अपना मतलब सारी कंपोनेंट की टेस्टिंग बताई गई आपको, है ना? तो रजिस्टर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर, सारा चीज आपको बताया गया। आपको समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मैं बोलूंगी कोई भी बोर्ड में आपको कोई भी कंपोनेंट चेक करने के लिए, तो आप करके बता सकते हैं चेक करके? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं उड़ीसा से हूँ। तो प्रदीप जी, मुझे ये बताइए आज क्या क्लास थी आपकी? आज कंपोनेंट्स का पहला दिन था देव सर के साथ जी, और बहुत सुंदर से पढ़ाया हुआ है जी। डिटेल्स कंपोनेंट कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका वर्किंग क्या होता है, क्या वर्किंग होती है, वो डिटेल्स पढ़ाया गया है। उसमें ज्यादातर पढ़ाया गया है सीरीज और पैरेलल कैसे लगता है, और सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट कैसे वर्क करता है जी, और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसमें पूरा डिटेल्स पढ़ाया। सारी टेस्टिंग आपको समझ में आ रही है? समझ में आ गया। आपको बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, देव सर ने बहुत पढ़ाया जी। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी चेक कर रहा हूँ सीरीज, कौन सा सीरीज में लगा हुआ है, कौन सा पैरेलल में लगा हुआ है। तो कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बताइए। हाँ बताइए, बता दूंगा। देखिए ये अभी एक ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये जी आर आ रहा है जी, एक तरफ जी आर, एक तरफ ग्राउंड होता है, ग्राउंड हो गया, एक तरफ ओएल, एक तरफ जी आर, मतलब ये किसमें है? ये पैरेलल में, पैरेलल की स्थिति में है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका, कहाँ से? तो सोलंकी जी, मुझे ये बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? आज जो सर के साथ थी हमारी कंपोनेंट की क्लास, जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर की क्लास थी। रजिस्टर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर बताया गया। थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं आप? हाँ, कितने मिनट में ढूंढ लेंगे थर्मिस्टर? ज्यादा से ज्यादा एक मिनट, एक मिनट में। इतनी आसान हो गई कि आप थर्मिस्टर बताइए? लोग तो डायग्राम का यूज करते हैं कि नहीं, डायग्राम में भी है ना, मैं ऐसे निचोड़ के बता दिया कि जाओ जोड़ दो, बस एक से दो मिनट में आप ढूंढ सकते हैं ना। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो क्या क्या कर रहे हैं आप? वैल्यू, हाई वैल्यू का रजिस्टर दिखाया जी, जो अपना जो अपना पैरेलल और सीरीज में लगा रहता है, HVR, LVR, सारा चीज है ना, कोई भी कंपोनेंट लगा रहता है उसको अभी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ किसी भी कंपोनेंट को, जैसे अपन रजिस्टर को, कैपेसिटर को, कॉइल को, जो पैरेलल में या सीरीज में लग रही है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर ने जो ट्रिक बताई उसके हिसाब से जी। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू करिए। थैंक्स टू यू जी। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? जी सर, आज हमारी कंपोनेंट थर्मिस्टर की क्लास थी सर, देव सर ने पढ़ाया, बड़े क्लियर से, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, एक ही बार में समझ आया सर जी। क्या 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 पढ़ाए गए? रजिस्टर, थर्मिस्टर, उनकी वैल्यूज, उनकी वैल्यूज क्या होती है, पैरेलल में होते हैं, सीरीज में होते हैं। सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, क्या टेस्टिंग होती है कैपेसिटर? हाई लो वैल्यू, लो वैल्यू का, हाई हाई वैल्यू का रजिस्टर, सारी चीजें बताई गई, बड़े अच्छे से दिखाया गया, मैजिक तरीके से बताया गया जी। जैसे कि मैं बोलूं कि ये बोर्ड है, इसमें आप कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बताइए, तो आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक से डेढ़ मिनट भी नहीं लगेगा, एक से डेढ़ मिनट भी नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बता दीजिए। क्या बता रहे हैं? मिस्टर बताऊंगा सर, मिस्टर है। हेलो, दूसरे चेक करिए, ये पैरेलल में है, सीरीज पैरेलल बता दीजिए जी। ये सीरीज में है वैल्यू, इधर भी वैल्यू, दोनों तरफ वैल्यू, मतलब सीरीज में, और एक तरफ रीडिंग, एक तरफ वैल्यू, जीआर ग्राउंड, ग्राउंड है ना, तो मतलब ये पैरेलल होगा, है ना। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अतुल और मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं आप, मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर कंपोनेंट की नॉलेज दिया सर ने, बहुत अच्छे, जो हमें 10 साल में नहीं मिला वो आज हमें एक दिन में मिला है। 10 साल में नहीं मिला जो आप आज की क्लास में मिल गया वन डे में सर, सेम टेबल सिखा दिया और जी। अभी तो और भी दिन बाकी हैं, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी और कुछ धमाका होने वाला है? टीचर ही बना के भेजेंगे सर, टीचर ही बना के भेजेंगे, है ना। तो आप बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल रेडी हैं जी। तो क्या कर रहे हैं आप अभी? हम सीरीज पैलर का पता लगा रहे हैं जी। सीरीज पैलर टेस्टिंग समझ में आ रही है आपको? जी सर।
कि क्या LVR HVR है ना, तो हम सीरीज पैरेलल दोनों बता सकते हैं। ये कंपोनेंट हमारा पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, हमारा सीरीज में लगा हुआ है। एक तरफ लीडिंग, एक तरफ ओएल है ना, तो ये पैरेलल है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। और 5 मिनट में 5 से 6 थर्मल जो लगा होता है 5 मिनट में थर्मिस्टर है जी। चलिए ठीक है जी, क्या नाम आपका और कहाँ से हैं आप? अर्जुन सिंह, यूपी से। तो अर्जुन जी, मुझे ये बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? आज सीरी बोलिंग थी और कंपोनेंट थी। कंपोनेंट वन की क्लास थी, मतलब है ना, कंपोनेंट पहचानने की टेस्ट किसके साथ थी? देव सर के साथ। देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी है ना जी। तो सारी कोडिंग समझ में आ रहा है आपको? टेस्टिंग क्या होती है ना, क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है, आराम से है ना। कोई भी फोन हो, कोई भी मदरबोर्ड दे दिया जाए, सभी में टेस्टिंग करके बता दूंगा। टेस्टिंग करके बता, थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं? कितने मिनट में ढूंढ लेंगे? 5 मिनट में कोई सा भी बोर्ड दे। जैसे कि मैं ये इसमें बोलूं कि आप कोई भी एक कैपेसिटर रजिस्टर कोई ढूंढ के बताइए, तो आप बता सकते हैं? बता सकते हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम धीरज कुमार, मैं बिहार पढ़ना चाहता हूँ। धीरज जी, मुझे ये बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? MMC बॉलिंग थी और कंपोनेंट से क्लास थी आज जी। तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। किनके साथ क्लास थी? देवरतन सर के साथ। देवरतन सर के साथ आपकी क्लास थी, तो आपको क्या बताया गया आज? अभी मैं पहले तो MMC बॉलिंग, दूसरे कंपोनेंट की जानकारी दी गई। कंपोनेंट पैरेलल, कंपोनेंट में क्या क्या बताया गया? कंपोनेंट में रेजिस्टेंस और रजिस्टर है ना, रजिस्टर रजिस्टर क्या होता है, उसकी क्या टेस्टिंग होती है, रजिस्टर मोबाइल और सीरीज पैरेलल। आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी लाइन सीरीज में है, कौन सी लाइन पैरेलल में है ना? हाँ, कोई भी कंपोनेंट की लाइन हम लोग पता। जैसे कि मैं ये बोर्ड में ये बोलूं कि आप कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बताइए, बता सकते हैं? एक कोई भी चेक करके बताइए, सीरीज पैरेलल बता दीजिए कोई भी। एक तरफ रीडिंग, दोनों तरफ रीडिंग मतलब ये सीरीज में है ना। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए तो हमारे साथ एक स्टूडेंट, क्या नाम आपका, कहाँ से हैं? मोहम्मद इमरान, पटना बिहार। तो इमरान जी, मुझे बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? जी, आपको समझ में आ रहा है कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं जी? तो क्लास समझ में आ रहा है आपको? तो मैं बोलूँ कि ये बोर्ड में कोई भी एक कंप्लेंट चेक करके बताइए, तो बता सकते हैं? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट, क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? संतोष कुमार, राजस्थान से। राजस्थान से हैं संतोष जी। तो मुझे ये बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? आज सुबह EMC की थी और उसके बाद में सब EMC की बॉलिंग है ना, फिर 10 बजे से आपके साथ एंड होते जी। जानकारी जी, तो आपको समझ में आ रहा है कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है ना? बिल्कुल। क्या टेस्टिंग है उनकी है ना, सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी रजिस्टर चेक कर रहा हूँ। रजिस्टर चेक कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट, क्या नाम आपका? तो विशाल जी, मुझे ये बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? कंपोनेंट वन की क्लास थी है ना, तो उसमें आपको क्या क्या बताया गया? रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर जी, उनकी टेस्टिंग समझ में आ रही है आपको कि क्या मतलब सीरीज है, सीरीज पहले समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? सीरीज पहले आप चेक कर रहे हैं, तो कोई भी एक कंपोनेंट चेक करके बताइए जरा। चलिए ठीक है, आराम से करिए आप, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आऊँ? तरुण जी, तो मुझे ये बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? सुबह कितने बजे आ गए थे? सुबह हम आ गए थे 7 बजे। 7 बजे से आपकी EMMC रिबॉलिंग की क्लास थी है ना, और फिर जी समझा रहे हैं सर, पहले थ्योरी हुई थी, फिर अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल जी। समझ में आया क्लास कि क्या सीरीज है, क्या सीरीज होता है, क्या पैनल होता है, रजिस्टर कॉम्प कैपेसिटर थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे आप जी? कितने मिनट में ढूंढ लेंगे? थर्मिस्टर सर 3-4 मिनट में आप फाइंड आउट कर पाएंगे ना, तो अभी आप चेक कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम आपका और कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ, मेरा CPO का रिबिलिंग क्लास था जी। और उसके बाद देव सर के साथ क्या क्लास थी? कंपोनेंट्स की देव सर के साथ क्लास थी, तो आपको समझ में आ रहा है सारा चीज कि क्या क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल, मतलब टेस्टिंग समझ में आ रही है? टेस्टिंग समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं। तो मुझे बताइए क्या क्लास थी आपकी? देवसर की क्लास कंपोनेंट की थी है ना, तो आपको समझ में आ रहा है? तो क्लास में क्या क्या बताया गया है?
रजिस्टर कैपेसिटर थर्मिस्टर भी बताया गया, सीरीज पैरेलल है ना, टेस्टिंग बताई गई उनको कि कैसे चेक करते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया? अभी क्या कर रहे हैं आप? पैरेलल सीरीज। अच्छा, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अब्दुल है जी, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ जी। तो क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल कर रहे हैं? क्या क्लास थी आज आपकी? आज हमने सुबह एएमएमसी की क्लास ली जी, और दोपहर में देव सर ने जी खीरी क्लास पढ़े कंपोनेंट्स के बारे में जी। सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा है? आ रहा है। सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है कि पैरेलल रेसिस्टर का कैपेसिटर का टेस्टिंग समझ में आया? सब कुछ समझ में आ रहा है जी। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे। अभी क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप? अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम आपका और कहाँ से आप? कहाँ से हैं? सूरज। तो सूरज जी मुझे ये बताइए, क्लास समझ में आ रहा है आपको? पूरा। क्या क्लास थी आज आपकी? कितने बजे से थी देव सर के साथ? 10 बजे से देव सर के साथ। और अभी अभी क्या कर रहे हैं? तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है दोनों? जो देव सर समझ, जो देव सर वहाँ पढ़ाए हैं वही यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप अपने हाथों से, है ना? जो देव सर ट्रिक दिए ट्रिक कल भी नहीं मिला जी जी। तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। जी क्या नाम आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम निकेतन है। निकेतन जी, तो मुझे बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? आज कंपोनेंट कंपोनेंट की क्लास थी, जिसमें आपको क्या बताया गया? रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, है ना, क्या है जी, सारी टेस्टिंग आपको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से चला जा रहा है? अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं जी। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको समझ में आ रहा है? थ्योरी के बाद तुरंत प्रैक्टिकल में? हाँ, तो सही से समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो यहाँ का ट्रिक कैसा है? एकदम सही, एकदम सही। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम यश है, कैन एनटी रामपुर से। तो क्लास समझ में आ रही है आपको? हाँ। क्या क्लास थी आज आपकी? एमएमसी कंपोनेंट की क्लास। सारे कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, अभी तो कल भी क्लास है आपकी, है ना? हाँ। तो क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है, टेस्टिंग समझ में आ रही है आपको? थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे? तो चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए जी। क्या नाम आपका और कहाँ से हैं आप? क्लास आज क्या क्लास थी आज? कंपोनेंट की क्लास थी, समझ में आ रहा है आपको जी सर? तो क्या कर रहे हैं आप अभी? कंपोनेंट कंपोनेंट चेक कर रहे हैं ना कि क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है, रजिस्टर थर्मिस्टर सब समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20,000 से 80,000 तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।